सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों व्हाट्सएप आज के जमाने में काफी लोकप्रिय एप्लीकेशन है और बहुत ही तेजी से ग्रो किया है इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन ने। आज मैं आपको व्हाट्सएप की कोई टिप या ट्रिक्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप से जुड़े हुए कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिनको जानकर आप भी कहेंगे अरे वाह ये तो बड़े कमाल के हैं। तो व्हाट्सएप के बारे में पूरी जानकारी, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि WhatsApp एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय एप्लीकेशन है, लेकिन क्या आपको पता है कि कितनी लोकप्रिय है? तो यहां मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है उनमें पांचवे नंबर पर WhatsApp आता है जो सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। अब बात करें कि इतना पॉपुलर है तो इसने अपना एडवर्टीजमेंट कैसे किया और कितने रुपए खर्च किए? तो यहां पर शॉकिंग फैक्ट्स ये है कि दुनिया भर की एप्लीकेशन जो लॉन्च होती है वो दुनिया भर के यूट्यूबर्स को स्पॉन्सरशिप देती है, अखबार में एड निकालती है, टीवी पर भी कई एप्लीकेशन के ऐड आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ने एडवर्टाइजमेंट के लिए आज तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया और फिर भी ये इतना लोकप्रिय हो गया। और यूट्यूब पर भी व्हाट्सएप पर इतनी आपको वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन आज तक व्हाट्सएप ने खुद से कभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी। अब यहां पर एक और फैक्ट्स मैं बताता हूं कि आज जो जमाना है सेल्फी लेने का, अब लड़का हो लड़की सब सेल्फी लेने में लगे होते हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितनी भी दुनिया में सेल्फी ली जाती है 27% सेल्फी सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ली जाती है। मेरा कहने का मतलब जितनी भी सेल्फी खींची जाती है 27% सेल्फी व्हाट्सएप पर शेयर की जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि WhatsApp ही एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें यूजर्स के द्वारा रोजाना करीब 160 करोड़ फोटो सेंड किए जाते हैं। इसके बात करें मैसेज की बात तो मैसेज की संख्या तो बहुत ज्यादा है, यहां पर रोजाना WhatsApp से 5000 करोड़ मैसेज सेंड और रिसीव किए जाते हैं। अब बात करें कि WhatsApp सबसे पहले ऐसा कौन सा फोन है जिसमें चला था, तो मैं आपको बता दूं नोकिया का N95 एक ऐसा स्मार्टफोन है, मतलब स्मार्टफोन भी आप नहीं कह सकते, बस नोकिया N95 है जिसमें सबसे पहले व्हाट्सएप चला था और आज तक भी उसमें चल रहा है। और अगर बात करें एक व्हाट्सएप यूजर की तो आपको भले शौक लगे लेकिन जो भी आदमी व्हाट्सएप यूज करता है उसकी एवरेज ये है कि वो दिन में 20 से लेकर 25 बार तो अपने व्हाट्सएप को ओपन करके देखता ही है कि और किसी का मैसेज तो नहीं आ गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो यहां मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप टोटल 60 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, यानी कि 60 भाषाओं में व्हाट्सएप आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है। और दोस्तों एक तो मैं बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स आपको बता रहा हूं कि जनवरी 2012 में जो iOS ऐप स्टोर है यानी कि एप्पल ऐप स्टोर है वहां पर व्हाट्सएप को बिना किसी कारण से और बिना बताए हटा दिया गया था, यानी कि रिमूव कर दिया गया था। वो अलग बात है कि 4 दिन के बाद इसे वापस से जोड़ लिया गया था और वापस से एप्पल ऐप स्टोर पे मिलने लग गया था। दोस्तों अगला फैक्ट से सुनने पर हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप के जो कोफाउंडर हैं जैनकॉम और ब्रायन एक्सन, इन्होंने 2009 यानी 2009 में फेसबुक में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन फेसबुक ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। वहीं उसके बाद व्हाट्सएप इतना लोकप्रिय हुआ कि मजबूरन फेसबुक ने 2014 में फरवरी में वैलेंटाइन डे वाले दिन इसी व्हाट्सएप को 1182 अरब रुपए में खरीद लिया। इतना सारा पैसा 5 साल में इतनी तरक्की व्हाट्सएप ने की कि 1182 अरब रुपए में फेसबुक को खरीदना पड़ गया। और अगला जो फैक्ट है वो सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे, वो मैं आपको बता दूं कि जो इनके फाउंडर है जैनकॉम जिन्होंने व्हाट्सएप को बनाया था, इसके फाउंडर है, वो एक दुकान में झाड़ू पोंछा करने का ही काम किया करते थे। और यहां पर अगर बात करें यूजर्स की तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो भारत में ही व्हाट्सएप के, यानी कि भारत में ही सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज किया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप इतना ज्यादा सक्सेस हुआ कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में डील हुई थी यानी कि 1182 अरब रुपए की, वो आज तक की सबसे बड़ी डील थी, यानी कि इससे बड़ी डील आज तक नहीं हुई है।
और यहां मैं बात करूं व्हाट्सएप की बढ़ती हुई लोकप्रियता का, तो 10 लाख लोग रोज व्हाट्सएप से नए जुड़ते हैं, यानी कि 10 लाख लोग नए यूजर व्हाट्सएप के पास रोज आते हैं। और अगर बात करें कि व्हाट्सएप पर ग्रुप कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं 100 करोड़ से भी ज्यादा ग्रुप आज की डेट में व्हाट्सएप पर बने हुए हैं। और अब बात करें अंत में, अंतिम जो फैक्ट है कि व्हाट्सएप की कमाई कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप का जो एक साल का टर्नओवर है, आप चौंक जाएंगे भाई साहब कि इसकी इतनी कमाई है। व्हाट्सएप का जो एक साल का टर्नओवर है ना, जो नासा है उसका जितना एक साल का जो बजट है उससे भी ज्यादा है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको जानकारी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ गए हैं और आपको लगता है कि यहां पर यूजफुल जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यार मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इसी तरह के अलग अलग चीजों के, अलग अलग टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स की वीडियो और भी चाहिए क्या। मैं योगी योगेंद्र आपसे मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।